कोस्टर। मैं हूँ गीता। गुजरात में एक डिश बहुत पॉपुलर है जो है पोंग वड़े। पोंग बेसिकली होती है जवार जो फ्रेश होती है, उसको जस्ट रोस्ट करते हैं रेती में, पर क्योंकि ये सिर्फ गुजरात में ही मिलती है तो और कहीं पे ये बना नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा इसका कुछ एक ऑप्शन ढूंढ लिया जाए। तो इसका एक ऑप्शन मुझे मिल गया, लेकिन आपको टेस्ट वही पोंग वड़े का ही देगा। आप उसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। ये पोंग जो होती है जवार, फ्रेश जवार, वो ऐसे दिखती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये सब जगह अवेलेबल तो नहीं है, तो मैंने सोचा यही एक ऑप्शन है तो व्हाई नॉट शेयर इट विथ यू। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप उसको ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये तो जो इसका ऑप्शन है वो आपके पास ज़रूर अवेलेबल ही होगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम जितना चना दाल ले लिया है। इसे मैंने 4-5 घंटे से भिगा के रखा है, तो इसलिए फूल गई है। 1 कप मैं ये स्प्राउट्स ले रही हूँ, इसको हमें ग्राइंड करना है। ये जो सब्स्टिट्यूट पोंग का है वो ये मूंग स्प्राउट्स ही है, और 1/2 कप हम ऐसे फुल डालेंगे, उसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे। तो पहले हम जो चना दाल है और उसको ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन हमें उसको सूखा ही ग्राइंड करना है, हमें उसमें पानी डाल नहीं डालना है, क्योंकि उसका जो हमारा बैटर बनेगा वो थिक वाला बनेगा बैटर। तो पहले ऐसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। इसमें मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून जितना पानी डाला था, वो इतना थिक ही चाहिए हमें, पतला बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें हम बाकी की चीज़ें मिला लेते हैं। ये जो स्प्राउट्स थे वो हम डाल देंगे। इसमें मैं बाइंडिंग के लिए राइस फ्लावर डाल रही हूँ, आप बेसन भी डाल सकते हैं। अराउंड 4 टेबल स्पून जितना राइस फ्लावर है। ये अनियन ग्रीन्स 4 टेबल स्पून जितना, एक बड़ा प्याज और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, लेमन जूस 1/2 लेमन का जूस, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और सॉल्ट, 1 बड़ा टेबलस्पून जितना मैं जिंजर और चिली का पेस्ट डाल रही हूँ। तीखा इसमें अच्छा लगता है, तो आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें अनियन और जो गार्लिक हम डाल रहे हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें गार्लिक भी डाल रही हूँ। इसे हम बाइंड कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैंने 1/2 लेमन और डाला, आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से और डाल सकते हैं। ये हमारा बैटर रेडी है, अब हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे। पहले मैं बड़े बड़े फ्राई करूँगी और फिर उसमें से छोटे छोटे टुकड़े करके फिर से फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि वो बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम बड़े बड़े करके डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इतना बड़ा बड़ा करके हम डालेंगे। पकौड़े जब भी आप बनाएं ना, तो जो उसका बैटर बनाते हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, तो इससे क्या होगा हमारे जो पकौड़े बनते हैं या वड़े जो भी है बहुत अच्छे बनते हैं। टर्न कर लेते हैं। इसे हमें पूरा कुक नहीं करना है, थोड़ा लाइट ही रखना है, क्योंकि इसे वापस हम कुक करने वाले हैं। ये हम निकाल लेते हैं। पहले सब कच्चे कर लेंगे, ऐसे बड़े बड़े बना के, फिर बाद में इसको तोड़ के फिर छोटे कर लेंगे। ये भी हमारे हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। पकौड़ों को थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर हमें इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अभी कच्चे हैं, अंदर से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं हमें। ये हमारे हो चुके हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। ये हमारे हो गए हैं, अभी इसे निकाल लेते हैं।
इसमें हमें 100 ग्राम जितना पालक और मैंने इसमें 3 मिर्ची डाल दी है। डायरेक्ट हमें ग्राइंड ही करना है इसको, और कुछ करना नहीं है। और 3 टेबलस्पून जितना मैंने बूंदी लिया है, आप बूंदी की जगह सेव भी ले सकते हैं, या आपके पास ढोकले के पीसेस हों तो वो भी डाल सकते हैं। फिर एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन ले लिया है, 3 टेबलस्पून ये चना लिया है जो हम यूजुअली चटनी में डालते हैं, 3 टेबलस्पून पीनट्स, 1 टेबलस्पून जितना मैंने शुगर लिया है, ये ऑप्शनल है पर गुजराती फूड में ज़्यादा खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसलिए मैं ये भी डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं उसको, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 लेमन का जूस और थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए थिक या पतला, क्योंकि ढोकलों के साथ अगर आप खाते हो तो थोड़ी पतली चटनी होती है, लेकिन हम इधरे और लोचा के साथ सर्व करते हैं वो थोड़ी थिक होती है, तो अकॉर्डिंगली आप जो बना रहे हो आप उस हिसाब से उतना पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए। सॉल्ट बाकी है हमारा, वो डाल देते हैं, उसको हम ग्राइंड करते हैं। ये चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है, देखिए इतनी, मैं इसको भी थिक ही रख रही हूँ, बाद में अगर जब ज़रूरत होगी तो हम पानी डाल देंगे उसमें। ये हमारे क्रिस्पी पंखोड़े रेडी हैं, हालांकि हैं वो मूंग के, लेकिन ये चटनी भी हमारी रेडी है और इसको हम सर्व कर रहे हैं प्याज के साथ। बहुत ही डिलीशियस है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पोंग सब जगह मिलती नहीं है तो ये बेटर ऑप्शन है। ओके, ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।